डॉक्टर रिधि, आपका टेंस होना जायज है। तमन्ना का केस वाकई बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। बट शी इज अ किड डॉक्टर कीर्ति, रिपोर्ट के मुताबिक उसकी कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसीलिए मैंने ये केस डिस्कस करने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। तमन्ना की आईसाइट दिन ब दिन वीक होती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले ही अपनी आईसाइट ना खो दे। जितनी जल्दी हो सके हमें उसकी बीमारी के रूट कॉज का पता लगाना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। मेरा नाम बुबू बेर है, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? तो मूड खराब है, कोई बात नहीं, मैं जानता हूं क्यों। यू नो, ये जो डॉक्टर रिधिमा है ना, जो भी बोलती है उनकी बातों पे ध्यान मत दो, बहुत चपड़ चपड़ करती है। मैं आपसे बात नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपसे भी गुस्सा हूँ, मैं सबसे गुस्सा हूँ। सब मुझसे झूठ कहते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगी। आश्रम में भी सबने मुझसे झूठ कहा, मेरी डॉल भी वहां रह गई, कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आपसे भी गुस्सा हूँ, कट्टी। अरे, पर मैंने तो आपसे झूठ कहा ही नहीं। मैं आपकी सारी विशेष पूरी करूंगा। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं जीनी हूं। वाओ, वो अलादीन वाला जीनी। अलादीन वाला जीनी, पर वो तो बहुत अगली है, आप तो बहुत हैंडसम हो। यू नो व्हाट, मैं इतना हैंडसम हूं क्योंकि मैं आपका जीनी हूं। एंड गॉड ने इतनी क्यूट तमन्ना बनाई है कि उसका जीनी कोई ऐसा वैसा थोड़ी हो सकता है। आओ, बाकी सारी बात छोड़ो। क्या हुक्म है मेरे आका? मुझे अपने फ्रेंड से मिलने संजीवनी अनाथालय जाना है, पर अभी मुझे उड़ना है। मुझे उड़ना है। तमन्ना की आईसाइट दिन ब दिन वीक होती जा रही है। मुझे डर है कि कहीं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से पहले ही अपनी आईसाइट ना खो दे। आज के बाद क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी? पता नहीं यूवी ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। पता है मुझे स्टेला कितने हाथ पाँव जोड़ने पड़े, कोई भी शिफ्ट कवर करने को तैयार ही नहीं था। तुम्हें लगता मैं तुम्हारे साथ इस बाइक पे बैठूंगी? आई होप्स। मैं ऑटो से जाऊंगी। सीरियसली लगता मैं तुम्हारे साथ बैठूंगी? कहा ना नहीं। तुम बहरे हो गए हो क्या? तुम्हें
मैंने कहा था ना वो यही मिलेगा। नैना, नैना चलो। नहीं नैना चलो। नहीं दिख नहीं रहा, हम उड़ रहे हैं। उसे नीचे उतारो, मैंने कहा उसे नीचे उतारो। नहीं उतारूंगा, क्या करोगी, मारोगी? नीचे उतारो उसे। नर्स, आप इन्हें लेकर वार्ड में जाइए। बेटा आप नीचे उतरिए। जी भैया। आप जाइए यहाँ से। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, अक्लमंदी है। और तुम्हारे पास तो अक्ल है नहीं, तो मैं समझाता हूँ। देखो मैं मानता हूँ कि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, बहुत सीरियस है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम एक छोटे बच्चे को स्ट्रेस दें। मस्ती खेलती रहेगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? डॉक्टर सिद्धांत मोदी अब भूल रहे हैं कि आप एक डॉक्टर है और वो एक पेशेंट। एक ऐसी पेशेंट जो अपनी आंखों की रोशनी हमेशा के लिए खो देगी। उसकी छोटी छोटी विशेष पूरी करनी है और मैं वो विशेष पूरी करूंगा। उसका इतना बड़ा ऑपरेशन है और आप और उस ऑपरेशन का सक्सेसफुल होने का चांस ओनली 50%। तो तुम क्या चाहती हो, मैं तमन्ना की खुशियां भी 50% से कम कर दूं? देखिए डॉक्टर मोदी, सेंटिमेंटल होने की कोई जरूरत नहीं। इंसानियत सिर्फ आप में नहीं है, तमन्ना की फिक्र मुझे भी है। अभी उसकी रिपोर्ट्स देखकर आ रही, उसकी हालत खराब होती जा रही। मतलब ऑपरेशन की सक्सेसफुल होने का चांस 50% से भी कम है। उसे इंटेंसिव मेडिकल केयर की जरूरत है, उसे प्यार की जरूरत है। ये फिल्मी डायलॉग्स मारना बंद कीजिए। आप एक डॉक्टर है, आपको ये सूट नहीं करते। अगर अब आपने कोई रूल तोड़ा तो आप संजीवी से बाहर निकाल दिए जाएंगे। एंड आई डोंट थिंक यू वांट टू रिस्क दैट टू यू। तीन विशेष हैं उसकी और मैं वो विशेष पूरी करके रहूंगा। और अगर आपको बीच में आना है तो लेट मी रिमाइंड यू, मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। एंड आई डोंट थिंक सो यू वांट टू रिस्क दैट। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? कोई शक? डॉक्टर्स, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना तमाशा काफी है। Now please get to work. Dr. Siddhant, आप मेरे ऑफिस में आइए। Dr. Ridhim, इनके बाद आप भी। Have fun. देखिए आप सब लोग, तुझे क्या लगा तू मुझे डबल क्रॉस करेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? मार साले को। अपनी डील भूल गया था, गलती की तूने, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। छोड़ो सिंह, छोड़ो, छोड़ो सिंह। नैना तुम जाओ यहां से। तेरी आइटम जाएगी तो जरूर, बहुत जल्द, तुझसे बहुत दूर। अब मारूंगा इसे और दर्द तुझे होगा, देख। तू तो फंस गई इसके चक्कर में, क्यों इस हीरो के चक्कर में पड़ी? तू खामखा मारी जाएगी आज। वरना इसे और तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं।
सब क्या हो रहा है डॉक्टर सिद्धांत? डॉक्टर रिधिमा आपकी सीनियर है, बहुत अच्छी डॉक्टर है वो, और आपको तो खुश होना चाहिए कि आप डॉक्टर रिधिमा को असिस्ट कर रहे हैं। इतना कुछ सीखने को मिलेगा आपको उनसे। hey. खुश था मैम, बहुत खुश था, पर आई डोंट थिंक सो डॉक्टर रिधिमा में वो बात रही। मैं उन्हें नीचा नहीं दिखा रहा, पर आप भी जानती हैं वो इतनी लंबी छुट्टी से आई है अभी, और फिर से वो हॉलिडे की बात कर रही है। एक और हॉलिडे? यस मैम, तमन्ना का केस तो आप जानती हैं कितना क्रिटिकल है, इट्स अ सीरियस केस। हमें तमन्ना को फुल मेडिकल ट्रीटमेंट देनी है, और डॉक्टर रिधिमा क्या कह रही है, उसे घुमाओ, उसे उसके अनाथ आश्रम लेके जाओ। वो तो ये तक कह रही है तमन्ना को घुमाओ फिराओ, खुश रखो, खेलो तमन्ना के साथ। मैम हम डॉक्टर्स हैं, सोशल वर्कर्स थोड़ी, तमन्ना को फुल मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, ऐसे घुमाना फिराना तो ठीक नहीं है ना। वाह वाह, डॉक्टर रिधिमा एक बहुत अच्छी डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छी इंसान भी है। वो अच्छी तरह से जानती है कि हम तमन्ना की आईसाइट को जाने से नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो उस बच्चे की सारी विशेष को पूरा करना चाहती है। But ma'am, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बल्कि तमन्ना को खुश रखने में आप भी डॉक्टर रिधिमा की मदद करेंगे, वरना आपका सस्पेंशन लेटर मैं खुद टाइप करूंगी। ओके मैम। तमन्ना को खुश रखने के लिए हमसे जो भी बन पड़ेगा हम जरूर करेंगे। मैम, तमन्ना के रिलीज ऑर्डर्स मैं साइन करके भिजवा दूंगी। थैंक यू मैम। मैम एक और बात, वो मैं डॉक्टर रिधिमा को जाके बता दूं कि आपने यू नो यू अग्रीड टू ऑल दिस, बहुत खुश हो जाएंगे ना, और इसी बहाने हमारी दोस्ती भी हो जाएगी। थैंक यू। सॉरी मैम। जा सकते हैं। Yes, ma'am. एक बार मेरी बात सुनो। नैना प्लीज, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नैना वहाँ जो भी हुआ वो मैं तुम्हें जानती भी नहीं, ये भी नहीं जानती कि वो लोग कौन थे। तुमने हमेशा मुझसे झूठ कहा है, वो लोग कौन थे, तुम्हें क्यों मार रहे थे, मैं कभी नहीं जान पाऊंगी, कभी नहीं। वो प्लीज बिलीव मी नैना, जस्ट लीव मी। इसीलिए मेरी जान बचाने के लिए पानी में भी कूद गई।
तुम्हारी पहली विश पूरी करने का टाइम आ गया है। सो प्रिंसेस, आप रेडी हैं चलने को? आज आपका जीनी आपकी पहली विश पूरी करेगा। इतनी जल्दी नहीं। मैंने कहा था एक और गलती और तुम्हें संजीवनी को बाय बाय कहना पड़ेगा। जानती थी मैं कि तुम एक और रूल जरूर तोड़ोगे और मैं तुम्हें संजीवनी से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। और अब मैं वो कहूंगी जो मैं कहने के लिए बेकरार थी। डॉक्टर सिद्धांत मोदी, गेट आउट, गेट आउट। संजीवनी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। Not too soon, क्योंकि पहले मैं अपनी प्रिंसेस को अनाथ आश्रम छोड़ के आऊंगा। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम कर लो। वैसे भी तुम रात को मुझे सस्पेंड कर ही नहीं सकती। इस गलत फहमी में मत रह। मैं जब चाहूं जो चाहूं कर सकती। कर तो मैं भी बहुत कुछ सकता हूं। क्या